दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, थोड़ी ही देर पर सिसोदिया पर आएगा कोर्ट का फैसला। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर साधा निशाना, कहा आबकारी नीति केजरीवाल के घर बदली गई। संसद में आज भी हुआ जबरदस्त हंगामा, लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जमकर हुई नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित, सोमवार तक दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, डर रही है सरकार इसलिए राहुल को बोलने का मौका नहीं दे रही। आज से दो दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत, वेलकम संबोधन में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है भारत का ग्राफ। आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी, कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मूवमेंट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार, लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर दी नसीहत, बोले जो झगड़ा करना है घर में करो, बाहर जाकर ना करो। बीजेपी ने राहुल गांधी की पाकिस्तान से जोड़ी नजदीकी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी क्यों है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों की नारेबाजी, शोर शराबे के बीच एलजी को रोकना पड़ा भाषण। कोलकाता पहुंचे एसपी नेता अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी जिस पार्टी से डरती है उसके घर भेज देती है ईडी और सीबीआई। H3N2 वायरस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी की एडवाइजरी, 60 साल से अधिक उम्र के लोग बरते सावधानी, भीड़भाड़ वाली जगहों पर कम जाएं। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर सामने आई, अगले साल जनवरी में होनी है गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना। लखनऊ में पहले अनाज एटीएम का शुभारंभ हुआ, अब अंगूठा लगाने पर राशन मिलेगा। चेन्नई में अनोखे एटीएम का शुभारंभ हुआ, पैसों की जगह बटन दबाने पर निकलेगी बिरयानी। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना। जामनगर के हनुमान मंदिर में अनंत अंबानी ने पूजा अर्चना की, मंदिर प्रशासन ने अनंत को भेंट की हनुमान जी की तस्वीर। गंगटोक में G20 को लेकर हुई बैठक, पर्यटन और जैविक खेती समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। सेना के लिए आई गुड न्यूज, हथियार खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 60 UH मरीन हेलीकॉप्टर समेत ब्रह्मोस मिसाइल भी डील में शामिल हुआ, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है पहला वनडे मुकाबला, हार्दिक की अगुवाई में उतरी टीम इंडिया, भारत कर रहा पहले गेंदबाजी। राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद TCS के CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे के कृतिवासन, युवाओं को इस ओहदे पर रखने वाली TCS ने 59 साल के कृतिवासन को नियुक्त करके सबको चौंकाया। 2024 तक देश को मिलेगी 67 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बजट 2023-24 के तहत 8,000 वंदे भारत कोच का भी दिया गया है प्रस्ताव। फिल्म RRR के नाचू नाचू गाने पर ऑस्कर जीतने के बाद हैदराबाद पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली, लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एक्टर सुनील शेट्टी नॉर्वे के फेमस डांस ग्रुप द क्विक स्टाइल ग्रुप के साथ रखते हुए दिखे, उनका ये डांस क्लिप खूब वायरल हो रहा है।